हे वेलकम बैक। आज हम जानेंगे इथिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में। आइए जानते हैं। किसी रिसर्च को स्टार्ट करने के पहले उसे एक कमेटी या बोर्ड से गुजरना होता है जो रिसर्च के इथिकल एस्पेक्ट पर विचार करता है। इस कार्य में वस्तुनिष्ठता लाने के लिए APA यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इथिकल गाइडलाइन बना रखा है जिनका पालन रिसर्च करने वाले साइकोलॉजिस्ट को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आइए जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ APA गाइडलाइन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसेप्शन, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट और सब्जेक्ट, प्रोटेक्शन एंड राइट, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हार्म टू पार्टिसिपेंट। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में। इस नियम के अनुसार रिसर्चर रिसर्च करने से पहले अपने सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट्स को 3 बातों की सूचना देता है। फर्स्ट, व्हाट इज नेचर ऑफ रिसर्च या शोध का स्वरूप क्या है। रिसर्च में समस्या द्वारा प्रभावित होने वाले फैक्टर के बारे में बता देना चाहिए। पार्टिसिपेट को रिसर्च से आज़ादी होना चाहिए यानी कि उसमें फ्रीडम होना चाहिए। सेकेंड आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। इस नियम के अनुसार रिसर्चर सब्जेक्ट या पार्टिसिपेट से जो भी डेटा प्राप्त होता है उसे रिसर्चर गोपनीय रखेगा। यह विश्वास पार्टिसिपेट या सब्जेक्ट को शोधकर्ता या रिसर्चर द्वारा देना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसेप्शन के बारे में। इस नियम के अनुसार रिसर्च समाप्त होने के बाद सब्जेक्ट या पार्टिसिपेट को रिसर्च के सभी पहलुओं यहाँ तक कि कपट यानी डिसेप्शन किया गया हो तो उसके बारे में विस्तृत रूप से बता देना चाहिए। इसलिए इसे डिफ्रीपिंग भी कहते हैं। डिफ्रीपिंग के 2 गोल होते हैं। फर्स्ट डिहॉक्सिंग, सेकेंड डिसेंसिटाइजिंग। हॉक्सिंग से मतलब पार्टिसिपेट से प्रयोग के रियल एम को बता देना चाहिए। डिसेंसिटाइजिंग से मतलब प्रयोग के दौरान होने वाले स्ट्रेस या निगेटिव फीलिंग के बारे में फीलिंग को कम करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रीडम टू पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेट को प्रयोग या स्टडी से किसी भी समय अपने को अलग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए यानी फ्रीडम होनी चाहिए उसमें। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड राइट्स की। पार्टिसिपेट को रिसर्चर द्वारा पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन देने के साथ ही उस पार्टिसिपेट की प्रायोरिटी प्रयोग की प्रायोरिटी से ऊपर होनी चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए रिसर्चर को। एंड लास्ट मिनिमाइज द रिस्क। आइए जानते हैं मिनिमाइज द रिस्क। इसको एक्सप्लेन करते हैं मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हार्म टू पार्टिसिपेट्स। पार्टिसिपेट को रिस्क के बारे में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए और साथ ही इससे कैसे बचें। साइकोलॉजिकल रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट इस बात का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं कि जिन व्यक्तियों या पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च में सम्मिलित किया जा रहा है उन्हें कोई हानि या किसी प्रकार की क्षति नहीं हो। इसलिए इन सब एथिक्स प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल इनसाइट पी को सब्सक्राइब करें बिकॉज आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। And thank you.